हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और स्टडीज को एंजॉय कर रहे हैं बेंचर्स आईक्यू और मेरे आयुष जोशी के साथ में। साथ में अगर आप और भी हमारे वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं, सजेस्टेड लिंक्स में जाकर के सारे वीडियोस हमारे चेक कर सकते हैं और उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे, रेगुलर बेसिस पर जो वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, उन सारी मेहनत को सफल बनाने के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियोस को और इस चैनल को, जिससे कि आपको मैक्सिमम लेवल पे नॉलेजेबल चीज़ें मिल सके जो आपको एग्जाम क्लियर करवाने में, चाहे वो SSC है, चाहे रेलवे है या अदर कोई भी एग्जाम है, उसे क्लियर करने में हेल्प कर सके, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फॉर यू ओनली। ओके, सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में हमने क्या पढ़ा था? हमने आज तक जितने भी वीडियोस देखे हैं आप लोगों ने, उन सभी में हमने डिस्कस किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात आई, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात कैसे उठी जिस देश में ऑलरेडी जिस देश के अंदर ब्रिटिशर्स का राज था, मतलब फॉरनर्स ऑलरेडी रूल कर रहे थे, इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं ब्रिटिश इंडिया था, उस देश में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल बनाया गया है, कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे फीचर्स को ऐड किया गया है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अदर सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाता है। तो आइए बात करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड पार्ट, दैट इज सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला पॉइंट, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, 2 years 11 months 18 days के बाद फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने 60+ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से निचोड़ निकाल दिया और अल्टीमेटली भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब तक के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा और सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 60 से ज़्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पूरी तरीके से निचोड़ निकाल के उनके बहुत ही सुप्रीम जो हम कह सकते हैं फीचर्स थे या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उन सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स और अट्रैक्टिव फीचर्स को ऐड करते हुए हमने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रिजिड होता है, किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है जहाँ पे इजीली कुछ चीज़ें मोल्ड हो जाती हैं। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूँ, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छा मिक्सचर है, एक ब्लेंड है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जितना रिजिड है उतना ही फ्लेक्सिबल भी है। इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजिडिटी भी देखने को मिलती है, अर्थात किसी भी तरीके से इसका मिसयूज करना पॉसिबल नहीं है। ओके, द नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। देखिए, एक 3 steps or 3 tier हम कह सकते हैं एक सिस्टम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर यूनिटरी सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर फेडरल सिस्टम करते हैं या एक यूनिफेडरो का कॉम्बिनेशन को फॉलो किया जाता है। तो भारत का कॉम्बिनेशन एक यूनिफेडरो कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का जो सिस्टम है, रेगुलेटिंग सिस्टम है, वो पूरी तरीके से फेडरल कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए स्पेसिफिक हो जाता है। उसके अलावा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री फॉर्म पर बेस्ड है। हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म पर, आपको पता है हमारी गवर्नमेंट जो है कहाँ निर्माण हुआ है हमारी गवर्नमेंट का, वो है पार्लियामेंट के अंदर, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और अन्य फीचर्स को मिला करके हमारी पार्लियामेंट को बनाया गया है। पार्लियामेंट ही हमारे देश की सरकार है, जिसे हम, जहाँ से सारी चीज़ें रेगुलेट होती है ना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म देखने को मिलता है हमें सरकार का। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी,
एंड एज वेल एज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पूरी तरीके से पार्लियामेंट सिस्टम पर ही बेस नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक प्रावधान दिया है, वो प्रावधान क्या है, अलग से जुडिशरी सिस्टम, अलग से जुडिशियल सिस्टम या जुडिशरी सिस्टम का होना हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा अलग बना देता है, जिसके अंदर हम एक अलग से डिफरेंट वे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी दोनों सिस्टम को पैरेलल चला रहे हैं। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज DPSPs। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज का भी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेसिफिक फीचर प्रोवाइड करवाती है, एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाती है। अर्थात हर देश का हर वो नागरिक जो इस देश में रह रहा है, भारत की सिटीजनशिप कैरी कर रहा है, उसके पास में फंडामेंटल राइट्स भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसे फुलफिल करेंगे। अर्थात हर व्यक्ति के पास में ड्यूटीज भी है एज वेल एज राइट्स भी है, मतलब अधिकार भी है तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी है। देश के अंदर एक जिम्मेदारी और अधिकारों के कॉम्बिनेशन को फीचर करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। उसी के साथ में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का या नेक्स्ट फीचर जो है सेलियंट फीचर वो है अ सेक्युलर स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके के रिलीजन, हर तरीके की कास्ट, हर तरीके के सोवरेनिटी को कैरी करने वाला ये देश, जिसके अंदर कई तरह डाइवर्सिफाइड कंट्री कहते हैं हम अपनी कंट्री को, क्यों, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी भाषाओं को सम्मिलित करते हुए, सारे रिलीजन और कास्ट को सम्मिलित करते हुए एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है। तो ऑटोमेटिकली एक देश जिसके अंदर इतनी सारे धर्म, इतने सारे कास्ट, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारे पहनावा, इतनी सारी जो ट्रेडिशंस या कल्चर है उन सबको कैरी करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेसिफिक फीचर प्रोवाइड करवाता है, सेक्युलरिज्म। ओके, द नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आप सभी को पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है हमारा, हमारे देश में होने वाले सभी इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है। अर्थात 18 वर्ष के होने के बाद में हर व्यक्ति समान है, अर्थात अपने देश की सरकार को चुनने के लिए हर व्यक्ति समान है। 18 वर्ष के होते ही किसी भी व्यक्ति से उसके वोटिंग का अधिकार नहीं छीना जा सकता। एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड हम अपने अपने लीडर को खुद चुनने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे पास में अगर आप सपोज यू आर लिविंग इन इंडिया एंड यू हैव द नेशनलिटी और सिटीजनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। या आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो आप किसी और सिटीजनशिप आपके यहाँ पे भारत में मान्य नहीं होगी। अर्थात भारत पूरी तरीके से सिंगल सिटीजनशिप पर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। द नेक्स्ट फीचर इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट बॉडी। जितने भी बॉडीज हमारे यहाँ पे बनी हुई है, जितने कमीशन्स बने हैं, जितने भी फीचर्स कैरी कर रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारी बॉडीज, जितने भी कमीशन्स है या डिपार्टमेंट्स है, वो सब इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब जुडिशियल सिस्टम है बिल्कुल डिफरेंट वे में इंडिपेंडेंट रूप में काम कर रहा है। चाहे हम अपना पार्लियामेंट्री बॉडी ले लें तो वो डिफरेंट रूप से बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे में वर्क कर रही है, और डेमोक्रेसी अपनी जगह पर अलग तरीके से कार्य कर रही है। अर्थात हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे काम कर रहा है। यही अगर हम बात करें नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट को कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई है, जिसके तहत इमरजेंसीज को लागू करने की प्रावधान दिया गया। इमरजेंसीज को लागू करने का जो एक फीचर है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, जिसमें जितनी तरह की इमरजेंसी, आपको बताएं तीन तरह की इमरजेंसीज होती है, नेशनल, स्टेट लेवल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों तरह की इमरजेंसीज को यहाँ लागू किया जा सकता है हमारे देश के अंदर। ये कब किया जा सकता है, जब देश को उसकी ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, थ्री टीयर गवर्नमेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। हमारे फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम और यूनिफेडरल सिस्टम चलता है। इसके अलावा हमारे देश में लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा से का एक कॉम्बिनेशन बना करके जो पार्लियामेंट को क्रिएट किया गया है, वो और भी यूनिट एक डिफरेंट फीचर क्रिएट करता है या एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।
इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स में से आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वह है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सिर्फ देश में गवर्नमेंट या अन्य इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ही नहीं चलती है, बल्कि देश में इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण भी किया गया है, जिससे देश में सौहार्द की और ब्रदरहुड की जो भावना है उसे उसका निर्माण किया जा सके, या उस फीचर के थ्रू या उस पर्टिकुलर फीलिंग के थ्रू इस देश के विकास के निर्माण की प्रक्रिया को फॉलो किया जा सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश का संविधान एक बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है कई सारे अन्य देशों के संविधान का। और इतना ही नहीं, हमारे बहुत इजी होता है ये कहना कि क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे देशों से उठाया हुआ एक कॉम्बिनेशन मिक्सचर है। नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों से लिए गए आइडियाज़ को एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हुए एक नए कॉम्बिनेशन के साथ पेश किया गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और इम्पॉर्टेंट पर्सन्स ने हमें दिया है, जो आज तक चला आ रहा है और देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को संपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीज़ें हमने जो आज हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं वो सब क्या है, सेलियंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमारे देश के संविधान को अन्य देशों के संविधान से अलग बनाते हैं। तो ये हमने क्या देखा है, सेलियंट फीचर्स को देखा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसके अंदर, देखिए जहां पर भी किसी चीज में कुछ अच्छाई होती है वहाँ उसमें उसकी बुराई या उसकी क्रिटिसिज्म भी निहित होते हैं। इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई स्तर पे जो है क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिस बेसिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। यस, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे किसी चीज़ की बहुत अच्छाइयाँ भी डिस्कस होती है वहाँ क्रिटिसिज्म ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज भी किया। अब उन लोगों ने क्या क्या फीचर्स रखे, क्या क्या पॉइंट्स रखे अपने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करने के लिए, वो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया, आपसे अभी बताया मैंने कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन 60 से ज्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उनमें से फीचर्स उठा करके और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। तो क्या किसी देश का निर्माण या किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण एक ऐसे बेस पर किया जा सकता है जहां पे कई सारे देशों से चीजों को उठाया गया हो, या एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना चाहिए जहां पे हमारे खुद के फीचर्स ऐड किए गए हो, हमारे खुद के मन से बनाए हुए या हमारे देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए फीचर्स को ऐड किए गए हो, इस आधार पर इसे क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे ऐसे पॉइंट्स रखे गए हैं और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कॉपी पेस्ट किया गया है, उसे कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से फॉर्म करते हुए, मॉल्ड करते हुए पेश किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज जहां बात आती है कार्बन कॉपी की, अब कार्बन कॉपी बताया गया आपको पता है कि 1935 का जो एक्ट है ना उसकी कॉपी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स हैं जो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। तो कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को 1935 के एक्ट के कॉपी, कार्बन कॉपी बताया है, तो उस तरीके से इसे क्रिटिसाइज किया गया है। सेकेंड पॉइंट के बाद में थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पे, एंड अन इंडियन एंड एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली 1935 का एक्ट किसने पेश किया था, ब्रिटिशर्स ने पेश किया था, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश इंडिया में रह रहे थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा पेश किया गया 1935 का एक्ट जो था उसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स किसके द्वारा ऐड किए गए थे या किसे ध्यान में रखते हुए किए गए थे, ब्रिटिश इंडियंस को। तो अल्टीमेटली हम इसे एक अन इंडियन या एंटी इंडियन एक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस एक्ट को ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया है या जिस तरीके की फीचर्स को ब्रिटिशर्स ने हम पे थोपा था, उन सारे फीचर्स को ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे हो सकता है। तो उसे इस तरीके से एंटी इंडियन के तौर पे या अन इंडियन के तौर पर भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देख, जो लोग गांधी जी के फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी ऐसा फीचर्स नहीं था या ऐसे फीचर को ऐड नहीं किया गया था जो कि गांधी जी द्वारा सुझाया गया था। गांधी जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन फीचर्स को ऐड नहीं किया गया है। तो इसे एक अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलिफेंटाइन साइज, ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा और या हम कह सकते हैं लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पूरी तरीके से एक्ट्स एक्ट्स पार्ट्स आर्टिकल शेड्यूल्स बहुत सारे लीगल एडवाइजरीज को लीगल चीज़ों को इम्पोज किया जाए इंक्लूड किया जाए तो उस देश में क्या किसी व्यक्ति के लिए इतने सारे लीगल एड्स को फॉलो करना पॉसिबल हो पाता है? नहीं हो पाता। इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पॉसिबल हो पाता है? नहीं हो पाता। तो इसे एलिफेंटाइन साइज कहा गया है और पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स भी कहा गया है। अल्टीमेटली इसका मतलब यह है कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा गया है। उल्टा ये कहा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से जो कानून के रक्षक हैं, कानून को जो फॉलो करते हैं, लॉयर्स जो हैं, बस उन्हीं ने अपने लॉज को इम्पोज करके हैवी हेल्दी और लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हमारे लिए कर दिया है। तो अल्टीमेटली इतने एक्ट्स इतने लॉज को फॉलो करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता किसी इंडिविजुअल के लिए। सो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज भी किया गया है। वहीं हमने आपको बताया कि सेलियंट फीचर्स भी डिस्कस किए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सेलियंट फीचर्स भी कैरी करता है लेकिन क्रिटिसिज्म भी करता है। लेकिन आपको ये बात पता है कि सेलियंट फीचर्स हमने मैक्सिमम लेवल पे डिस्कस किए हैं। करने को क्रिटिसिज्म भी किए जा सकते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड पॉइंट्स में सीमित है। तो अल्टीमेटली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में मेरी नज़रिए में या अन्य जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इस देश का हर नागरिक ये मानता है कि ये हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अलग हट के एक यूनिक फीचर कैरी करता है, यूनिक आइडेंटिटी कैरी करता है। और उस यूनिक आइडेंटिटी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं दैट वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, विल मीट यू सून।